अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे इंट्रोस चेंज करना बहुत पसंद है, सो दैट्स व्हाई हेयर अगेन विद अ न्यू वन। आज की वीडियो जो है उसमें हम कुछ पौधे लगा रहे थे अपनी अम्मी के साथ। मैं अपनी कज़न के घर थी तो वहाँ पे उनको अम्मी ने ही एक्चुअली मनी प्लांट की एक बेल गिफ्ट की थी, तो उन्होंने कहा था कि लगा भी आप ही दें। तो फिर ये जो पहले वाले पौधे थे यहाँ से हम इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। एंड पे आपको दिखाएंगे कि इनका क्या किया था। कुछ एलोवेरा के पौधे ऑलरेडी इनके घर में थे। सवेरा का नाम मैं बहुत लेती रहती हूँ अपने व्लॉग्स में भी, और आपको बहुत सी वीडियोस भी मिलती हैं उसके नाम की। तो ये उन्हीं का घर था एक्चुअली, उनका घर न्यू बन रहा है तो थोड़े से पौधे वगैरह और डेकोर वगैरह वो कर रहे हैं। ये मेरी मदर हैं जो लगा रही हैं पौधों को, तो वो हाथ से ही, खुरपा तो था नहीं तो हाथ से ही मिट्टी निकाल के तो लगाना शुरू हो गई थी। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज़ कि बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर आप बांधते जाते हैं रस्सी के साथ, ये बिल्कुल बेल की तरह, किसी विलो की तरह ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो पिलर के साथ रखा था हमने ताकि जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसकी साइड, एलोवेरा वाली साइड जो है वो हम चेंज करके और जो बेल वाली साइड है उसको पिलर के साथ करके बांध के ऊपर कर देंगे इसको। बट अभी ये बहुत छोटा है, अभी तो इसको, जब ये लगेगा तो आप लोग देखिएगा। अभी तो इसकी जगह बन रही है, किस तरीके से अम्मी इसको कर रही हैं, बिल्कुल ही पौधे को निकाल के लगाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से अम्मी लेके गई थी शॉपर में ताकि इसकी रूट्स को हवा ना लगे। आपको भी पता होगा कि प्लांट्स की रूट्स को हवा लग जाती है तो फिर वो सही से उगते नहीं हैं। बट ये सुना है मैंने तो होता भी ऐसे ही है क्योंकि उनमें मॉइस्चर रहना चाहिए, आई गेस दैट्स वाई। तो इसको लगाते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। ये इतना सॉफ्ट प्लांट होता है कि अगर आप इसको को सख्त हाथ या गर्म हाथ लगाते हो तो इसके पत्ते जो हैं वो बहुत जल्दी जलना शुरू कर देते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। इसलिए तो हाथ गीले करके इसको इस तरह से लगाया था। उसके बाद वॉश करने के बाद इसके आप लोग पत्ते देखो, बहुत खूबसूरत कलर के और इतना प्यारा ग्रीन कलर इनका निकलता है। शाइनिंग से सिल्की से लीव्स होते हैं इसके हार्ट शेप के। तो इस तरह से गमले को बिल्कुल पानी से भर दिया था हमने। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है हमारे उन प्लांट्स को ट्रांसफ़र करने की जो हमने पहले वहाँ से निकाले थे। गुले दाऊदी या गुले दोपहरी कहते हैं इनको, गुले दाऊदी नहीं खैर गुले दोपहरी ही कहते हैं इनको क्योंकि धूप पे निकलते हैं। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर सा बना दिया था। ये मलाइका है जो कि ये काम सर अंजाम दे रही है। बिल्कुल जो ज़मीन थी वो चटियल थी, यहाँ पर हमने स्क्वायर सा बना के इसको पानी दिया था। उसके बाद यहाँ पे पत्थरों से छोटे छोटे गोल गोल, पहले स्क्वायर फिल कर लिया था फिर गोल गोल छोटे छोटे क्यारियाँ सी बना के इसमें हमने लगाया था पौधों को। पहले तो खैर ये मलाइका मिट्टी को नरम कर रही है, बहुत ही हल्के हाथों से उसने यहाँ पे जगह बनाई थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको पानी भी लगा दिया था ताकि ये मिट्टी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देखें इस तरह से बिल्कुल एक ही जगह पानी खड़ा नहीं कर देना, हाथ के इशारे से जिस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। तो लाइक स्प्रिंकल पहले किया था पानी को और उसके बाद फिर हमने इसमें लगाए थे अपने पौधे। खैर इसमें हमारी लड़ाई हो गई थी, लड़ाई नहीं, ये था कि कौन लगाएगा कौन लगाएगा। तो फिर उसको थोड़ा सा, ये आपको सबके मल्टी हैंड्स नज़र आ रहे होंगे, एक किसी का दिल था कि मैं सर्कल्स बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से हमने सर्कल्स बनाए थे पहले बहुत अच्छे तरीके से, गोल गोल जगह को मेजर कर लिया था, जितने हमारे पास प्लांट्स थे उतने हमने सर्कल बना लिए थे। और उन सर्कल्स को बनाते हुए हमने काफ़ी इंजॉय भी किया था। काफ़ी मेरे छोटे छोटे जो कज़न्स हैं बच्चे वो भी, वो ये पत्थर ढूंढ ढूंढ के ला रहे थे, उठा उठा के ला रहे थे और हम इसको बना रहे थे। फिर पानी ऊपर दोबारा से लगाया था, क्यों, क्योंकि मिट्टी जो थी वो बहुत सख्त थी। फिर पहले हमने इसको नरम करके बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है वो
आगे का जो प्रोसेस था वो हमने किया था। ये बेसिकली गांव साइड पे हो जाता है, तो यहाँ की जो ज़मीन है वो थोड़ी रेतली है, और फिर जब भराई करवाई थी इस घर के लिए तो ऊपर थोड़ी सी मिट्टी भी डाली थी, बट जैसे हम इसको खोदते हैं तो नीचे से रेत निकल आती है। तो ये थे एक एक टहनी ही थी, इसको हमने फिंगर की मदद से होल बना के तो नीचे इसको दबा के ऊपर फिर रख दिया था, और साथ में इसके छोटे छोटे पत्थर रख दिए थे ताकि इनको सहारा मिले और ये जो पौधे हैं ये नीचे ना गिरें। ठीक है, इस तरह से करके ये पौधे हमने लगा लिए थे, आप इनको देखते हुए एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अगर करते हैं छोटी छोटी तो हम बहुत एंजॉय करते हैं उन बातों को। हालांकि एक छोटी सी चीज़ थी, एक छोटी सी ही डीड थी, लेकिन इसको हमने इतना एंजॉय किया था। एक हाथ से काम करने का जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, दैट वॉज इट। तो ये इस तरह से मिट्टी देख रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा नीचे रेत भी आपको नज़र आ रही है, मिट्टी भी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत हमने इसको नर्म कर लिया था और बहुत ही एक अच्छी सिवाई बना स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद दोबारा से पानी लगाया था, और जब इस पे फूल आएंगे इंशाल्लाह तो वो वाला व्लॉग भी या छोटी सी वीडियो जिस भी तरह का मतलब कुछ भी मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता दूँगी। सो दैट वॉज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर